अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है आई डोंट बिलीव दिस जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा हो ही नहीं सकता मैं एग्जाम्पल देती हूं मीरा बाई की कृष्ण भक्त मीरा ब्याह होता है एक राजा से लेकिन उनके जो तौर तरीके थे वो उसको भाए नहीं तो वो नाम की महारानी लेकिन वास्तव में तो वो तो भक्ता है कितने इल्जाम लगे यहां तलक तो की उनको मारने की कोशिश की गई कभी जहर भेजा कभी सांप भेजा कितनी उनकी लोक निंदा हुई पर क्या मेरा दुखी हुई मेरा दुखी नहीं हुई परिस्थिति देखो मैंने इन द लेट इलेवेन्थ सेंचुरी में अर्ली ट्वेल्थ में अगर उसकी पैदाइश हुई है आज स्त्रियों के साथ इतनी दुर्दशा हो जाती है सबकी नहीं कुछ स्त्री ऐसी हैं जो दूसरों की दुर्दशा कर देंगी आजकल एक वो भी बहुत बड़ी ब्रीड है पर कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर आज भी बहुत अन्याय होता है और सोचिए बारहवीं सदी में मीरा के उस स्त्री शरीर के साथ उसका रहना और फिर जब राणा नहीं रहे तो उसने चित्तौड़ छोड़ दिया पैदल वृंदावन चली गई वृंदावन में रही और वृंदावन कई लंबा समय रहने के बाद फिर द्वारिका चली गई और चौरासी साल की उम्र में उन्होंने द्वारिका में शरीर अब शरीर छोड़ा अब आप सोच के देखिए चित्तौड़ से वृंदावन पैदल गई हैं वृंदावन से द्वारिका फिर पैदल गई हैं दोनों कृष्ण की भूमि है ना एक उसकी लीला की भूमि एक जहां उन्होंने राज किया तो मेरा दोनों जगह जाती है। आप सोच सकते हैं कि कितने कष्ट उन्होंने झेले होंगे शरीर की दृष्टि से कमियां कमजोरियां कहीं पैदल चली कहीं किसी रथ में जगह मिल गई कभी घोड़ा की सवारी मिल गई कभी कुछ नहीं मिला और सब तकलीफ सहती है लेकिन हरि नाम स्मरण करती रहती है उसके लिए एक आज़ादी है कि अब उसको कोई रोकता नहीं कोई टोकता नहीं है वो जब चाहे भजन करे जब चाहे सत्संग करे हार श्रृंगार सब छोड़ दिए जोगनी का वेश बनाया और पैदल पैदल चलती है जहाँ बैठती है एक तारे से गीत गाती है मस्ती से जी रही दुनिया देखेगी कहेगी लो महारानी गलियों में घूम रही है नंगे पांव क्या हाल हो गया उसका पर कोई मीरा का हृदय टटोल के देखे क्या वो दुखी थी श्री रामचंद्र महाराज का जीवन लेते हैं चौदह साल का वनवास अपनी ही माँ मांगती है पिताजी आ, कहते बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाते क्योंकि वचनों से बंधे हुए थे और श्री राम अपनी नव विवाहिता पत्नी को लेके भाई को लेके चौदह वर्ष जंगल में आप लोग तो गए नहीं होंगे ना अयोध्या ना चित्रकूट जाओ जरूर जाओ आज भी चित्रकूट में प्रयागराज से अगर आप चित्रकूट जाते हैं तो मीलों मील तक कोई गांव नजर नहीं आता पहाड़ है धरती बहुत उपजाऊ नहीं है बड़ा घना जंगल है आज की तारीख में बहुत से डाकू भी वहीं पे रहते हैं बहुत गरीबी है और सोच के देखिए हजारों साल पहले जब श्री राम अयोध्या से निकले और फिर कहाँ कहाँ घूमते हुए और फिर सीता जी का हरण हो जाता है और फिर पता नहीं चलता वो कहाँ है वो कैसे कैसे घूमते हैं भटकते हैं फिर मदद लेके सुग्रीव और हनुमान की और कैसे कैसे कितनी मुश्किल परिस्थिति राम की पर श्री राम क्या दुखी हुए क्या उन्होंने शिकायत करी कि मेरी माँ कैसी है सुतेली बुरी क्या उन्होंने शिकायत करी कि मेरे पिता के आ, बल में कमी रह गई तभी वो अपने स्त्री की बात मान गए राम कोई शिकायत नहीं करते कभी रोते नहीं कभी कष्ट में नहीं कभी आहे नहीं भरते इसीलिए श्री राम पूज्य हैं एक रात पहले राजा होने वाले हैं और, और सुबह ही सुबह में वो बनवासी का बेश बना करके जंगल की ओर चले जाते कितनी मुश्किल परिस्थिति राम से अच्छा कौन होगा पर क्या राम रोते ना क्या सीता रोती हैं क्या लक्ष्मण जी रोते हैं शुरू शुरू लक्ष्मण जी को गुस्सा बहुत आया है लेकिन उसके गुस्से को श्री राम ने शांत किया बोले ना वचन देना एक क्षत्रिय का धर्म है उस वचन का पालन करना भी उस क्षत्रिय का धर्म है जिस परिस्थिति में भी वो वचन दिए गए उसका पालन करना मैं उनका पुत्र हूं तो उनके यश और गौरव के लिए मुझे उस वचन की पालना करनी चाहिए और मैं करूंगा तुम्हें कष्ट है तो रह जाओ यहां पे। उसके बाद लक्ष्मण एक बार नहीं बोले हम दुखी और सुखी हमारी बाहरी परिस्थितियों से नहीं होते हैं हम दुखी और सुखी अपने मन की वजह से होते हैं। मुझे याद है हम लोग जबलपुर गए थे और जबलपुर से नर्मदा का दर्शन करने गए तो वहां न वो नाव चलती है नर्मदा में एक, एक सेक्शन चलता है बहुत सुंदर संगमरमर के पहाड़ हैं बहुत सुंदर और उसके बीचों बीचे जो नर्मदा है वो बहती है हमारी जो बोट चला रहा था वो मल्लाह वो नाविक इतना खुश दिल आदमी उसके कपड़े उसका काम बता रहा है पैसे इतने नहीं हैं उसके पास लेकिन उसकी आंखों की चमक उसकी बात करने का तरीका उसका वो चुटकुले सुनाना और वो जो कमेंट्री उसने हमको रनिंग सुनाई है वो पतवार चलाते हुए हम लोग हैरान थे खुश थे प्रसन्न थे कि हमारा भारत देश कितना अनुपम है ये शहरों में रहने वाले लोग Uh, हजारों रुपया खर्च करके क्या बोलते हो उसको समथिंग टू डू विच ब्रिंग्स ग्लो टू द फेस एंड एंड द फेस लुक्स वेरी लास्ट्रस हाँ कोई कोई होगा भैया कुछ ट्रीटमेंट होगी डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं और ये आदमी इन इज अर्ली थर्टीज और वो बोट चला रहा है क्या चमक है उसके और क्या उसकी आंखों की वो जो ऊर्जा है उसके बोलने का ढंग उसके गाने का ढंग उसका हंसना उसका हम लोगों को हंसाना और बड़ा मुश्किल काम है पतवार को चलाना पर वो उसको उल्टी धार भी चल रही है तो भी वो हंस रहा है बात कर रहा है खुश हो रहा है और वहीं पर एक माता मिली जो छोटी छोटी मूर्तियां बेचती है आ, शिवलिंग बेचती है ऐसे अभी वो दुकान लगा रही थी मैंने उसको पूछा नमस्ते करी मैंने कहा माँ नमस्ते तो वो बड़ी खुश हो के कहती नमस्ते नमस्ते अरे आप आ जाए हो मैंने कहा जी आ जाए अब वो ऐसे बात कर रही है जैसे वो मेरी मौसी लगती है अधिकार से आज ही आए वो हाँ, आज ही आए हैं मैं क्या कर रही है बोली दुकान लगा रही हूं मैं कह लोग आते हैं लेते हैं अरे ले ले तो ले ले, नहीं ले तो नहीं ले। लेने अ स्वैग ले ले तो ले ले, नहीं ले तो नहीं ले मैंने पूछा माँ गुजारा अच्छा हो जाता है अब ख्याल रहे ना उसकी घिसी फटी साड़ी मुझे दिख रही है उसके पाँव में रबड़ की चप्पल है बिवइया पाँव की फटी हुई हैं हाथ उसके दिख रहे हैं सख्त के कभी पत्थर भी कूटे हैं उन हाथों ने मैं पूछा मैं माँ आपका गुजारा ठीक से हो जाता है वो कहती राम जी की बड़ी कृपा है दो रोटी खाने को मिलती है राम जी की बड़ी कृपा है। ये मर्सडीज और जेगवर में बैठ कर के दो चार करोड़ के लिए तरस रहे लोगों से वो माता मुझे ज्यादा प्रसन्न ज्यादा खुश और ज्यादा संपूर्ण दिखाई दी पैसे से खुशी नहीं कहने की बातें है एक ने कहा लो कौन कहते पैसे से खुशी नहीं हम फाइव स्टार में जा सकते हम ये कर सकते हम वो कर सकते हम हम स्विट्जरलैंड जा सकते हम वहाँ अरे भाई तुम स्विट्जरलैंड जाके पहाड़ों में टकरे मारोगे क्या क्या करोगे स्विट्जरलैंड में ये जो जाते भी हैं ना मैंने उनके भी हालत देखे पूरे समय वो ना मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करते रहते कितने पैसे है कितने यूरो में पानी की बोतल बोले दो यूरो में कहते यार सामने नदी बहरी यहीं पी लो वहां जाके गरीबी अपनी और दिख रही है और वो वो अपना कोई फिल्मी सीन वहां जाकर के बनाने की कोशिश कर रहे हो तो किसी पहाड़ पे पत्थर पे खड़े होके कि फोटो अच्छी आ जाए बाहें खिलार के और अपनी मोटली पत्नी के साथ पोज बना रहे होते बनाने बनाने में दोनों गिरे पड़े थे नीचे खुश फिर भी नहीं क्योंकि हिसाब लगा रहे हैं पांच दिन का टूर है एक दिन आना एक दिन जाना कुल सात दिन का इनका ट्रिप था तो इतना पैसा खर्च करके भी चेहरे पर तो खुशी नहीं और इस मां के चेहरे पर प्रसन्नता है खुशी है राम जी की कृपा है राम जी की बहुत कृपा है। अब आप लोग तो सब बोलोगे ना क्या कृपा है आप कहोगे क्या कृपा है क्योंकि कृपा तो तुमको गाड़ियों में दिखती है कृपा तो तुम्हें बड़े बंगले में दिखती है डिजाइनर कपड़ों में दिखती है तुम्हें मन के अंदर जो शांति जो सुख जो आनंद वो, 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 वो किसको चाहिए वो थोड़ी चाहिए वो रहने दो उसकी कोई जरूरत नहीं इतनी इच्छाएं वासनाएं जीवन छोटा सा फिर एक दिन आता है शरीर मर जाता है पर मन जिंदा है ना मन की वासनाएं फिर धकेलती हैं उसको फिर एक नया जन्म फिर वही नैपियाँ पहन के पड़े रहो सुसुपट्टी उसी में करते रहो फिर धीरे धीरे दांत आएंगे फिर धीरे धीरे चलना सीखो फिर वापस जाओ किंडरगार्टन, फिर वापस नर्सरी में फिर प्राइमरी में फिर सेकेंडरी में फिर हायर में फिर कॉलेज फिर वही वासनाएं मैं ये कर दूं मैं वो कर दूं मैं ये कर दूं तिरसठ तक फिर छुट्टी जाओ फिर गेम अगेन वो सांप सीढ़ी होती ना लास्ट सांप का वो जहर कहां आता है 99 पे। कितनी मेहनत करके किससे किससे बचते 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 बीच में कुछ कुछ सीढ़ियां मिल जाती ओह फटफ गए ऊपर पर नन में पे आके बैक टू पवेलियन वहीं जाओ जहां से शुरू हुए थे तो मनुष्य के जन्म की स्थिति यही है बस यही वो करता रहता है बेवकूफी जब तक वो इस साइकिल को तोड़ नहीं देता साइकिल को कैसे तोड़ेगा जब वो वासना शून्य होगा जब इच्छाओं से रहित होगा जब वो विवेक को प्राप्त होगा जब वो सत्य सत्य को समझेगा और सत्य की प्राप्ति करने पर ही ये चक्र खत्म होता है नहीं तो ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा It started from God knows when and it will go on until we can't say how many more births will